पिशावर में पश्तखा में पुलिस की कार्रवाई, महकमे सेहत के आला ऑफिसर समेत चार जाली ड्रग इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक जाली ड्रग इंस्पेक्टर्स फार्मेसी की दुकानों से रिश्वत वसूल कर रहे थे। महकमा सेहत के ऑफिसर समेत चारों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं पेशावर से, जहां पर यह कार्रवाई की गई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रिश्वत वसूली पर यह कार्रवाई सामने आई है। पेशावर का इलाका है पुश्तखराम। पुलिस की कार्रवाई, महकमा सेहत के आला ऑफिसर समेत चार जाली ड्रग इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जाली ड्रग इंस्पेक्टर्स फार्मेसी की दुकानों से रिश्वत वसूल कर रहे थे। महकमा सेहत के ऑफिसर समेत चारों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। यह गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। पेशावर से खबर है जहां पर पुश्तखरा में पुलिस की कार्रवाई, महकमा सेहत के आला ऑफिसर समेत चार जाली ड्रग इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जाली ड्रग इंस्पेक्टर्स फार्मेसी की दुकानों से रिश्वत वसूल कर रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया। महकमे सेहत के ऑफिसर समेत चारों अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पेशावर के इलाके पुश्तखरा में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। महकमे सेहत की जानिब से चार जाली ड्रग इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। महकमे सेहत के आला ऑफिसर समेत चार जाली ड्रग इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जाली ड्रग इंस्पेक्टर्स फार्मेसी की दुकानों से रिश्वत वसूल कर रहे थे। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद तैयब से। जी मोहम्मद तैयब, बताइएगा, पुलिस की जानिब से पेशावर के इलाके पुश्तखरा में कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आज पुश्तखरा में पुलिस ने कार्रवाई की और चार जाली ड्रग इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए और साथ ही एक महकमा सेहत का अफसर भी उसको हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक ये जो तीन ड्रग इंस्पेक्टर थे, जाली लोग से रिश्वत लेते थे और जो फार्मेसी ऑफिस फार्मेसी की दुकानें थी उससे रिश्वत लेते थे, और ये जो सहूलतकार था या मतलब डिपार्टमेंट का जो एहलकार था, ये उनके जरिए ये सब कुछ हो रहा था। तो पिशावर हुकूमत ने उस पर चापा मारा और उसको जो है ना हिरासत में लिया।